दोस्तों, आधुनिक मनुष्य हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदारों महान वानरों से मौलिक रूप से भिन्न है। हम जमीन पर रहते हैं, दो पैरों पर चलते हैं और हमारा दिमाग बहुत बड़ा होता है। होमो जीनस की पहली आबादी लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में उभरी थी। वे पहले से ही सीधे चलते थे, लेकिन उनका दिमाग आज के इंसानों के आकार का लगभग आधा ही था। अफ्रीका की इन शुरुआती होमो आबादी के पास आदिम वानर जैसा दिमाग था, बिल्कुल उनके विलुप्त पूर्वजों ऑस्ट्रेलोपिथेसीन की तरह। तो सामान्य मानव मस्तिष्क का विकास कब और कहां हुआ? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि आधुनिक मानव मस्तिष्क संरचनाएं केवल 1.5 से 1.7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी होमो आबादी में उभरी। शोधकर्ताओं ने 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका और एशिया में रहने वाले होमो जीवाश्मों की खोपड़ी की जांच करने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग किया। फिर उन्होंने जीवाश्म डेटा की तुलना महान वानरों और मनुष्यों के संदर्भ डेटा से की। आकार के अलावा मानव मस्तिष्क बड़े वानरों से भिन्न होता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत मस्तिष्क क्षेत्रों के स्थान और संगठन में। पहले लेखक मार्सिया पोंस डी लियोन कहते हैं कि मनुष्यों की विशिष्ट विशेषताएं मुख्य रूप से ललाट लोक के वे क्षेत्र हैं जो विचार और कार्रवाई के जटिल पैटर्न की योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है, और अंततः भाषा के लिए भी, चूंकि ये क्षेत्र मानव मस्तिष्क में काफी बड़े हैं, निकटवर्ती मस्तिष्क क्षेत्र और पीछे चले गए। विशिष्ट मानव मस्तिष्क अफ्रीका से एशिया तक तेजी से फैला और अफ्रीका के बाहर पहली होमो आबादी दमानिसी में, जो अब जॉर्जिया है, के पास मस्तिष्क था, जो उनके अफ्रीकी रिश्तेदारों की तरह ही आदिम था। इसलिए इससे पता चलता है कि लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पहले तक प्रारंभिक मनुष्यों का मस्तिष्क विशेष रूप से बड़ा या विशेष रूप से आधुनिक नहीं हुआ था। हालांकि ये प्रारंभिक मानव कई उपकरण बनाने, यूरेशिया की नई पर्यावरणीय परिस्थितियों को अपनाने, पशु खाद्य स्रोतों को विकसित करने और मदद की जरूरत वाले समूह के सदस्यों की देखभाल करने में काफी सक्षम थे। इस अवधि के दौरान अफ्रीका में संस्कृतियां अधिक जटिल और विविध हो गई, जैसा कि विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजारों की खोज से पता चलता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जैविक और सांस्कृतिक विकास संभवतः एक दूसरे पर निर्भर है। मानव विज्ञानी पोंस डी लियोन कहते हैं कि मानव भाषा के शुरुआती रूप भी इसी अवधि के दौरान विकसित हुए। जावा पर पाए गए जीवाश्म इस बात का सबूत देते हैं कि नई आबादी बेहद सफल थी। अफ्रीका में अपनी पहली उपस्थिति के कुछ ही समय बाद वे पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया में फैल चुके थे। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स समूह में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनॉइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे, और बहुत समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें होमोन्ड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। होमोन्ड उपसमूह होमिनॉइड समूह से उत्पन्न हुए, जिसमें काफी समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। दोस्तों, होमिनॉइड का मस्तिष्क होमोन्ड से कुछ छोटा होता था। वे चौपाई थे, यानी वे चार पैरों से चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दो पैर लचकदार थे। इसके विपरीत होमोन पिछले दो पैरों पर खड़े हो सकते थे। उसके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे।
इन दो प्रकार के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि होमिनिडो का उदय अफ्रीका में ही हुआ था। पहला कि ये अफ्रीकी वानरों यानी एप्स के समूह होमिनिडो से संबंध बहुत गहरा है। दूसरा साक्ष्य सबसे पुराना जीवाश्म जो ऑस्ट्रालोपिथेकस वंश के हैं। वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उसका काल समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख साल से अधिक पुराने नहीं हैं। होमिन होमिनाइड परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड परिवार के मानवों के अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना और हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जेनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक के कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के बड़े आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिन या यूनानी भाषा के शब्दों से ही बने हैं। आज यह नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उनका एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी नहीं थी क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों में ही गुजारता था, इसलिए उनके अंदर पेड़ों के ऊपर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अभी भी मौजूद थी। आगे चलकर औजार बनाने और लंबी दूरी चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं के लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेष को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों में पाई जाने वाली रचना के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता था। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उसके खोपड़ी के आकार और जबड़े के विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुए होंगे। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण उनके हाथ बच्चों और चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों दो पैरों से चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे हाथ का स्वतंत्र होने का लाभ तो मिला ही, पैरों के बल चलने कारण शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।